वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। सो आओ साध संगत जी, श्री राग महला तीजा का ये 27वां शब्द है। चल रही पावन पवित्र विचार पावन अंग 37 ते सुभाईमान है। एक दिन श्री गुरु अमरदास महाराज जी कोल सिखा ने बेनती की थी कि महाराज इस सृष्टि की रचना के बहुत सारे कारण सुनने चाहते हैं। कोई कहता है कि सृष्टि ब्रह्माणुओं तो बनी है, कोई कहता है काल ने बनाई है, कोई कर्मां द्वारा बनाई दसदा है, कोई किसी तरह दसदा है, कोई बाबा आदम ते अम्मा हवा तो बनी दसदे आ। पर हे सतगुरु जी, आप ही कृपा करके दसो यह सृष्टि पैदा किवें होई। तद सतगुरु जी फरमाउंदे हन, आपे कारण करता करे सृष्ट देखै आप उपाए। हे भाई, सारे कारणों नूं वो करता आप ही करन वाला है। आप ही करता सृष्टि कारण मही ताताद द्वारा संसार नूं पैदा करता है, फिर आप ही सृष्टि नूं उपाय पैदा करके वेखदा भी आ। जिवें परमाणुओं तो मिल के सृष्टि बनी, जो कहिंदे आ जिन्हां दा ख्याल है कि परमाणुओं तो बनी आ, कि दो परमाणु मिल के दुणका ते तीन मिल के तिणका, इउं इकट्ठे हो के सृष्टि बनी। पर इन्हां च चेतन सत्ता पाउण वाला कौन है? यह हरकत किवें कर लगे? जे काल नूं करता मन्निया जावे तां काल भी जड़ है, इवें ही कर्म भी जड़ हन ते माया भी जड़ है। अखीर इस सिट्टे ते ही पहुँचते हाँ कि सब नूं चेतनता प्रदान करने वाला इक्को एक चेतन प्रभु ही है, वो ही सृष्टि का करता है। इसलिए साडे कारणां ते कारजां का करता वो प्रभु आप ही है। आप ही सृष्टि नूं पैदा करके देख रहा, वह सृष्टि के सारे जीवों के कर्मां नूं भी आप ही वेख रहा। सब एको एक वरतदा अलख न लखिया जाए। सारे जीवों च वो एको एक प्रभु वाहिगुरु ही वरत रहा। सारे लोक परलोक विच निर्गुण सरगुण रूप हो के एक अद्वैत स्वरूप ब्रह्म ही वरत रहा है। ਉਹ ਅਲਖ ਉਹ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਖਿਆ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। गुरमति सद मन वसया सच रहे लिवलाए। गुरमत धारण करन वाले गुरमुखां दे मनां विच ओह हमेशा लई आप ही वसया आ। इस करके ओह सच विच बिरती ला के मस्त रहिंदे आ। मन मेरे गुर की मन लै रजाए। हे मेरे मन, अपनी मनमत छड्ड के सतगुरां दी रजाए कहंदे आग्या नूं मन लेना कर। मन तन सीतल सब थीऐ नाम वसै मन आए रहाओ। उदों मन दे संकल्प ते तन दे पाप मिट के सारे ही सीतल ठंडे ठार हो जांदे। जदों परमेश्वर दा नाम मन विच आके वस जांदा है। परमेश्वर दा नाम ही अति सीतल है, जिस द्वारा मन ते तन सीतल हुंदा है। जिन कर कारण धारिया सोई सार करे। जिस प्रभु ने मही तत्त आदि कारणों नूं पैदा करके सारा जगत धारण किया है, भाव जिसने जगत का कारण रूप भी आप होके अते करता भी आप होके सारी रचना की है। माया दे 3 गुण रज तम सत बनाए 5 तत्त प्रकृति आदि रच के उसका कारण भी आप है ते करता भी आप है। ओह प्रभु सारियां दी सार संभाल करे करिए करता है। भाव सारे जीवां नूं रोजी दिंदा है। गुर कै शब्द पछाणिए जा आपे नदर करे। उदों हो परमेश्वर गुरां दे उपदेश द्वारा ही पछाणिया जाता है, जदों प्रभु आप ही अपनी किरपा दृष्टि कर देवे। भाव उसकी किरपा दृष्टि द्वारा ही उदों उसके आनंद नूं पा सकीदा है, जदों जीव का अपना मन सीधा हो जावे। से जन सबदे सोहणे तित सच्चा दरबार। हे भाई, से जन वह जन गुरु साहब जी के उपदेश द्वारा शोभनीक होए, ओहो ही उस प्रभु के दरबार में सचे हुए ने। सचखंड सतसंग रूपी दरबार में भी शोभनीक होए ने। गुरमुख सच्चा शब्द रते आप मेले करतार। जो गुरमुख जन सच्चे उपदेश द्वारा मन बाणी शरीर करके ते बाणी करके नाम रंग विच रते हुए, उन्हां नूं आप ही कृपा करके वाहिगुरु ने अपने स्वरूप नाल मेल लिया है। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत न पारावार। उन्हां ने गुरां दी मत द्वारा उस सत स्वरूप प्रभु नूं सलाहना कीता है, जिस प्रभु का कोई अंत जां पारावार नहीं है। घट घट आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार। घटां घटां विच ओह हुक्मी प्रभु आप ही वसदा है, अते हुक्म द्वारा ही निर्णय करन वाला भी वह प्रभु आप ही है। गुर सबदी सालाही है हौमै विच हो खोए। जेकर उसनूं गुरां दे शब्द द्वारा सलाहना करिए तां देह दे अंदरों हंगता हौमे जिहड़ी है नास हो जाती है। सा धन नावै बाहरी अवगणवंती रोए। हे भाई, सा धन वो जीव रूप इस्तरी जो नावै बाहरी प्रभु दे नाम तो बाहरी है, बगैर वा। ओह अवगणा वाली हमेशा रोंदी रहिंदी है, वो दुखी ही रहिंदी है। सच सलाही सच लगा सच्चै नाय तृप्त होए। हे भाई, जेकर सच्चे की सिफत करते रहिए तो सच लगा सच्चे विच मन लग जाता है, अते प्रभु दे सच्चे नाम करके मन रज जाता। मन दीआं आसां तृष्णावां ते वासनावां आदि ये सब दी भुख मिट जाती। इस संसार के पदार्थ तां की वो ब्रह्म लोक के सुखां नूं भी तुच्छ समझण लग पैंदा है। गुण विचारी गुण संग्रह अवगण कड्डा धोए। हे भाई, वाहिगुरु के गुणों की विचार करते रहिए अते उस दे गुणों नूं हिरदे विच संग्रह हुंदा एकत्र भी करते रहिए, अते अंदरों औगणा नूं नाम दे साबण दे प्रेम जल नाल धो के कढ़ना करिए। आपे मेल मिलाए दा फिर वे छोड़ा न होए। ओह आप ही सतगुरां द्वारा अपने स्वरूप च मिलाउंदा है, फिर कदे विछोड़ा नहीं हुंदा। नानक गुर सालाही अपना जिदु पाई प्रभ सोए। सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि भाई, अपने गुरु साहब जी की सिफत सलाहना करते रहिए, जिन्हां दी किरपा करके वो प्रभु पाईदा है, प्रभु प्राप्त हुंदा है। तत पद दा लख अर्थ पा लईदा है। श्री राग महला तीजा। सोण सोण काम गहेलीए क्या चलै बाह लुडाए। हे काम दी गहेलीए पकड़ी हुई है जीव रूप इस्तरीए, तू साडी गल नूं सुण, कन्ना द्वारा सुनना कर। तू बाह लुडाए भुजा अपनियां बाहवां नूं क्यों फैला फैला के चलदी है। बाहवां भुजावां जिहड़ियां मार मार के क्यों चलदी है। भाव के बेफिक्र होई की फिरदी है, अपनी बिरती रूपी बाह नूं क्यों हिला के चलदी है। पदार्थां 'च फुल के चलदी है। हे जीव रूपी इस्तरीए, तू साडी गल नूं शरधा ते विश्वास रूपी कन्नां द्वारा सुनना कर। तू अल्लड़ कुड़ी दे वांग मस्त हो के बेफिक्र होई बाहां लड़ाए, बाहां हिला हिला के ही चल रही हैं। अपना पेर न पछाण ही क्या मोह दे सह जाए। तू अपने ही पेर पति नूं पछाण नहीं रही, जो तेरा अपना ही आप ही साखी है, प्रकाश रूप है, तू उससे ब्रह्म नूं नहीं पछाण पा रही। हे कमड़िए, परलोक च जाके केड़ा मूँह दिखावेंगी, केड़ा मूँह देवेंगी, अपने औगणा करके महात्मा की संगत च की मूँह दिखावेंगी। जिनी सखी कंत पछाणिया हौ तिनकै लागो पाए। हे सखीए, जिन्ना गुरमुखा ने वाहिगुरु रूपी पति नूं पछाणिया है, मैं उन्हां दे पाए कईए चरनी लगदी हाँ। तिन ही जैसी थी रहा सत संगत मेल मिलाए, ताकि उन्हां दी संगत करके मैं भी उन्हां ही जैसी वर्गी थी रहा हो रवां, भाव बन सकां, भाव उन्हां गुरमुखां वल्लों शुभ गुण मेरे अंदर भी आ सकण। सत संगत विच अपने आप नूं मिला के उन्हां वर्गे शरधा, भावना, मैत्री, मुदता इत्यादि गुणां नूं पा सकां। मुंदे कूड़ मुट्ठी कूड़ेयार। हे जीवरूपी कूड़ेयार झूठी मुंदे स्त्रिये, तू झूठ द्वारा ठगी गई है। संसारक पदार्थां दे मोह च पई नूं तैनूं परमार्थ दे ज्ञान दी समझ नहीं है। तू झूठे पदार्थां दे मोह करके आप ही झूठी बन गई ते लुटी गई है। पेर प्रभ साचा सोहना पाइए गुर बिचार रहाओ। सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं, वह प्रभु रूपी पति जो त्रैकाल आबाद सच्चा सोहना शोभनीक, उसनों गुरु साहब जी की विचार द्वारा ही प्राप्त करीदा है। रहाओ विश्राम दे करके सतगुरु कृपा करते हैं। मनमुख कंत न पछाण आई तिन क्यों रहन विहाय। जो मनमुख रूपी दुहागणा प्रभु रूपी कंत पति नूं पछाणदियां नहीं हन, उन्हां दी अवस्था रूपी रात्रि जिहड़ी आ ओह किवें विहाए गुजरदी है। पावो पति दे विजोग च हौके लैंदियां, दुखां नूं भोगदियां ही उमर रूपी रात नूं अविद्या कारण गवा लैंदियां हन, जिस करके जन्म मरण का दुख बनया रहिंदा है। गर्भ अटिया तृष्णा जलह दुख पावह दूजे भाए। जिहड़ियां अजिहियां दुहागणा गर्भ हुंदा हंकार। बाणी विच गर्भ दो तरह करके अखर आया है। ये शब्द एक गग्गा रारा बब्बा गर्भ ये हंकार का वाचक है। एक गग्गा रारा भब्बा ये जिहड़ा माता का उदर हुंदा है, माँ की कुख नूं माँ का गर्भ कह लो, जिस विच बच्चा पैदा हुंदा, बच्चा जिस राही जन्म लैंदा, वह है गग्गा रारा भब्बा गर्भ। इत्थे बब्बे नाल आया गर्भ हंकार। कहंदे जिहड़ियां हंकार विच अटियां हुंदा वा भरियां होईयां पूरीआं होईयां रसां कसां दी तृष्णा च जलदियां, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, उन्हां दे अंदरों तानहंगता चली जाती है। सदा पिर रावह अपना तिना सुखे सुख विहाए। वह अपने प्रभु रूपी पति दे आनंद नूं हमेशा ही रावह दा माणदियां वा। उन्हां दी उमर रूपी रात्रि सुखां ही सुखां विच गुजरदी है। उन्हां दी बाल अवस्था, जवानी ते बुढ़ापा सुखां च ही गुजरदा है। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर न पाया जाए। जो मनमुख रूपी दुहागणा आत्म ज्ञान तो विहूणी बिना प्रभु रूपी पति ने ਛੁੱਟੜ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। इस करके वह पदी प्राप्ति के सुख तो वांझियां हैं। अज्ञान मति अंधेर है, बिन पिर देखे भुख न जाए। उन्होंने दे अंदर अज्ञान वाली मत कारण अंध कर पिया आ, भाव ज्ञान दे अभाव करके अज्ञानता का हनेरा छाया होया। बिना प्रभु रूपी पति नूं देखिया उन्होंने दे अंदरों आसा तृष्णा रूपी भुख, लोक परलोक दे पदार्थां दी भुख नहीं जांदी। आवो मिलो सहेली हो, मैं पिर देह मिलाए। फिर ओह इउं बेनती करे, हे श्रद्धावान ते भगती वालियो, महात्मा रूपी सहेलियो, हे सखियो, आप जी कृपा करके आवो, आ करके मिलो। जिवें तुसीं वाहिगुरू नूं पाया है, उवें मैनूं भी वाहिगुरू रूपी पति नाल कृपा करके मिला देवो। फिर संत जन सखियां दसदियां हन, बूरै भाग सतगुर मिलै, पिर पाया सच समाए। इस सखियो पूरे भागां द्वारा सतगुरु जी मिलते हैं। गुरां द्वारा ही प्रभु पति नूं पाया जाता है, उस सच्चे विच समा जाईदा है। से सहिया सोहागणी जिन को नदर करे। वह संत जन सहिया सखियां ते सुहागणी सुहागवंतियां हैं, जिन्हां उत्ते उस वाहिगुरु पति ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी है। खसम पछाण है अपना, तन मन आगै दे। वह अपने खसम मालक वाहिगुरु नूं पछाण लैंदियां हैं ते अपना तन ते मन दा अभिमान उस पति वाहिगुरु सतगुरु दे अगे भेंट कर दिंदियां हैं। घर वार पाया अपना, हौमै दूर करे। उन्होंने हृदय घर विचों ही अपने पति प्रभु नूं पा लिया है, क्योंकि उन्होंने गुरुपदेश द्वारा देहहंगता दूर कर दी है, भाव त्याग दी है। नानक सोभा वंतिया सुहागणी, अन दिन भगत करे। सतगुरु जी फरमाते हैं कि वह ही गुरमुख रूपी सखियां लोक ते परलोक विच शोभावंतियां शोभा वालियां हैं ते सुहागवंतियां हैं, भाव ब्रह्मानंद ते सुहाग वालियां हैं, जो अन दिन रात दिन हर रोज़ प्रभु रूपी पति दी प्रेमा भगती करदियां रहिंदियां हैं। श्री राग महला तीजा। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी श्री गोंदवाल साहब विखे दीवान ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਖੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਸਹੁ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੁ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੋ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਇਹ संवाद द्वारा उपदेश उच्चारण किया, जिस करके परमार्थ की प्राप्ति हो सके। जिग्यासु रूप सखी द्वारा किए प्रश्न उचारते हैं। एक पेर रावह अपना, हौ कै दर पूछो जाए। एक जो ज्ञानवान रूपी सुहागणा अपने प्रभु रूपी पति के आनंद नूं सदा ही कहिए माणदियां हैं, भाव भगती रस नूं माणदियां हन। पर मैं अभागण कह दर किस दे दर उत्ते जाके पुछां, भाव मैं उस मालक की प्रसन्नता किवें हासिल करा। उत्तर रूप विच उचारदे हन, सतगुर सेवी भाव कर, मैं पिर देह मिलाए। हे जिग्यासु रूप सखी, तू भी भाव प्रेम धारण कर, प्रेम धारण करके सतगुरां नूं सेवना कर। इस तरह बेनती करके, हे सतगुरु जी, कृपा करके मैनू भी प्रभु रूपी पति नाल मिला देवो। फिर सतगुरु जी इस प्रकार समझाउणा करते हैं। सब उपाय आप वेखै किस नेड़ै किस दूर। ओह परमेश्वर रूपी सहोपति ऐसा है कि जिसने सारे जीव जंत पैदा किए, सब किए सूक्ष्म ते स्थूल आदि तत्त पैदा किए। सब देवी देवते दैंत राक्ष नाग मनुख पशु पंछी इत्यादि पैदा किए। जिन पेर संगे जाणिया जिन पेर संगे जाणिया पेर रावे सदा हदूर। जिन्हां ने प्रभु पति नूं अपने संग भाव नाल ही जाणिया, ओह हदूर सन्मुख दृष्टा रूप वेख के पति अकाल पुरख दे रंग नूं माणदियां हन। मुंदे तू चल गुर कै पाए। हे अग्यात जोबन वालिए जग्यासु रूप इस्तरीए, तू सतगुरां दे भाए कहिए रजा अनुसार होके चलना कर। अन दिन रावह पिर आपना सहजे सहजे सच समाए रहाओ रहाओ। फिर दिन रात निता प्रति ही प्यारे पति दे आनंद नूं माणेगी ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾਰ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। हर वर पायन घर आपने गुर कै हेत प्यार। ओह प्रभु रूपी पति नूं अपने अंतःकरण रूपी घर विचों ही पा लैंदियां हन। ऐसे पति की प्राप्ति किवें हुंदी है? सतगुरां दे नाल प्यार करके ही उस नूं पाईदा है। जिन्हां ने वाहिगुरु का प्यार स्नेह लैण वास्ते गुरु साहिब नाल हित कीता है, प्यार कीता है, उन्होंने अपने शरीर रूपी सत्संगत रूपी घर विचों ही प्रभु पति नूं पा लिया है। सेज सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार। उन्हां दी परमेश्वर दे गुणां नूं रंग प्रेम सहित उचारण करके रवै हुंदा उचारण करके अंतःकरण रूपी सेजा सुहावी शोभनीक हो रही है। उन्हां दे हिरदे रूपी भंडार खजाने जिहड़े आ भगत कहिए भगती नाल लवालब भरे हुए। सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सबसै दे आधार। ओह प्रभु प्रीतम प्यारा उन्हां महात्मा रूप सुहागणा दे मनां विच वसदा है, जिहड़ा सारी दुनिया ताईं अपनी चेतन सत्ता दा आसरा देण वाला है। फिर सालाहन अपना तिन कै हो सदबल हारै जाओ। जो अपने प्रभु पति नूं महात्मा रूप सुहागणा सलाउंदियां हन, उन्हां दे उपरों मैं हमेशा ही सैकड़े वारी वारने बलहारने कुर्बान जांदा हां। मन ताने अरपी सिर देई तिन कै लागा पाए। उन्हां नूं मन तन अर्पण करके सिर भी दे देवां, पा मन की ममता तन की हंकता छड्ड के हंकार रहित हो के सिर देई भाव सब कुछ समर्पित कर देवां अते उन्हां महात्मा रूप सुहागणा दे पाए हुंदा चरनी लगना करा। जिनी एक पछाणिया दूजा भाव चुकाए। इस प्रकार जिन्हां ने एक अद्वैत रूप प्रभु नूं वाहिगुरु जी नूं पछाण लिया है अते अंदरों दूजा द्वैत भावना चुका दिती है, खत्म कर दिती, हटा दिती है। गुरमुख नाम पछाणिए नानक सच समाए। सतगुरु जी कथन करते हैं कि हे जिग्यासु रूप सखियो, इसे तरह मुखी गुरां द्वारा गुरमुखां दी संगत द्वारा नाम जप के उस परमेश्वर पति नूं पछाणना करो, फिर तुसी भी सत स्वरूप प्रभु पति विच समा जावोगियां। सच्चे पति की प्राप्ति करके उस विच अभेद हो जावोगियां। श्री राग महला तीजा। हर जी सच्चा सच तू सब किश तेरै चीरै। हे प्रभु जी, तू पिछे भी सच्चा सी, हुण भी सत स्वरूप है ते अगे नूं भी सत स्वरूप ही होवेगा। अते सब कुछ ही तेरे चीरै हुंदा दफ्तर विच वा, तेरे हक विच। काया रूपी चिट्ठी अंदर है, सब कुछ तेरे चीरै हुक्म अंदर ही है। लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरै। पीरै हुंदा पूजनीक गुरु। सतगुरां दे उपदेश मिलण तो बगैर 84 लाख जूनियां दे विच 84 लाख जूनियां दे जीव परमेश्वर की प्राप्ति लई ललचाउंदे फिरदे आ। उन्हां नूं बिना गुरु साहिब दे भेटे मिले तो पीड़ै, दूसरे अर्थ भी करदे भी पीड़ा ही बनी रहिंदी। पाप जम्मण भरन की पीड़ा, काल की पीड़ा, चिंता तृष्णा की पीड़ा, माया की पीड़ा हमेशा बनी रहिंदी आ। बिना गुरु पीरां दे मिलिया वो 84 लाख जूनां 'च भटकदे फिरदे आ ते तरसदे फिरदे आ। गुरु जां पीर की प्राप्ति बिना उन्हां दा जीवन निखिध जूनियां दे वांग दुखदाई रहिंदा है। पातशाह जी सहस कृति विच फरमाउंदे हन, गुर मंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्टण है। कूक रह सूक रह गर्त बह काकह सरपन तुलखल है। भाव गुरु के मंत्र उपदेश तो हीणे जो प्राणी हैं, उन्हां दे जीवन नूं धिक्कार है। उन्हां दा जीवन भ्रष्टिया होया है। वो तो कुत्तियां, सूरां, गधियां, कावां, सप्पां दे समान ही मूर्ख जी रहे आ। भाव गुरु तो बिना भटकना ही आ, जीवन सफला नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी ने जदों पहली अवस्था च अजे गुरु जी की सिक्खी धारण नहीं कीती सी, पर हिरदे च प्रभु भगती का चाह ते शरधा जरूर रखते सन। गुरु की महिमा ते महत्ता तो अजे अणजाण सन। आपने 20 वार पैदल संगत नाल जाके हरिद्वार गंगा का इशनान किया। इत्थे आप जी की याद च हुण भी हरिद्वार कनखल विखे गंगा किनारे गुरद्वारा सुशोभित है, पर मन नूं शांति नहीं आई। आखिरी बार जदों आप जी गंगा इशनान तो वापस आ रहे सन तो रस्ते विच आप जी नूं एक ब्रह्मचारी साधु का संग मिल गया तो आप उस नूं अपने घर बासर के ले आए। प्रशादा तैयार हो गया तद उस ब्रह्मचारी ने आप जी को पूछा कि आप जी का गुरु कौन है, तो आप जी ने नां विच उत्तर दिता। तो नाराज होकर ब्रह्मचारी साधु बिना अन्न पानी छकिया आप जी के घरों चला गया तो जांदा जांदा कह गया सी कि बहुत माड़ा आया कि मैनू नगुरे की संगत करनी मिली, मेरा तो गंगा इशनान भी नसफल चला जाएगा। यह सुन के आप जी के मन से गहरी चोट लगी तो फिर अपनी भतीज नूं बीबी अमरो जी द्वारा श्री गुरु अंगद देव जी की शरण में श्री खडूर साहब जी विखे आए तो गुरु धारण करके सतगुरां दे सिख बने तो सिक्खी कमाई। तो एक दिन फिर गुरु पद ते सुशोभित होए। भाव के गुरां की प्राप्ति तो बिना उन्हां नूं भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हर जीव बख्से बख्स लए सूख सदा शरीर है। हे भाई हर जीव प्रभु जी ने दुनिया नूं तारण लई सतगुरु बख्शे हन ते गुरु जी चाहण तां जीवां नूं बख्श लैंदे हन। जिन्हां नूं प्रभु जी बख्शिश करके बख्श लैंदा है उन्हां नूं सदा शरीर है। शरीर विच अंतःकरण विच नित आत्मिक सुख ही प्राप्त हुंदा है। इस लोक ते परलोक विच हमेशा आत्मक सुख प्राप्त हुंदा है। गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है। जो सत स्वरूप परमेश्वर निरहाल ते गंभीर है, डूंगा है, उस दी सतगुरां दी प्रसादी कृपा करके ही टहल करी दी है। मन मेरे नाम रते सुख होए। हे मेरे मन, प्रभु दे नाम च रत्ते रंगिया ही आत्मक सुख प्राप्त हुंदा है। गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर न कोय रहाओ। इस करके गुरां दी सिक्ख्या द्वारा वाहिगुरु दे नाम नूं सलाहणा कर, क्योंकि उस वाहिगुरु वर्गा कोई भी होर दूजा नहीं। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु फरमाउंदे हन। धर्म राय नौ हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार। हे भाई धर्मराजे नूं उस वाहिगुरु दी ऐसी हुक्म आ गया है तू परलोक विच बैठ के सच्चे धर्म दा विचार निर्णा करिया कर। दूजे भाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार। जो दूजे द्वैत भावना वाले तो दुष्ट आत्मा रूपी मनुख हैं वो तेरी सरकार भाव परजा है। उन्हां दे सर कहिए सिर उत्ते कार कहिए तेरी हुकूमत है। अध्यात्मी हर गुण तास मान जप है एक मुरार। अध्यात्मी हुंदा जो सारियां दा आसरा रूप आत्मा है तिस दी प्राप्ति वाले जो तत्त बेते हैं जो अध्यात्मी आत्मग्यानी हैं। तास कहिए तिन्हां दे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੇ ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। जीवों के जीवना संवारन वाले है। हे संत जनो तुसी धन भाव धनता के योग हो। मन के बेकार मनह तजय मन चूकै मोह अभिमान। हे भाई जिन्हों गुरमुखा ने मन काम आदिक विकारा गुरां के उपदेश द्वारा मन विचों तजय त्यागना किया है अते फिर उन्हों के मन विचों पदार्थां संबंधियां मोह ते गुणों का देह का अभिमान हंकार भी चुकया गया है। आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। जिन्हां ने आत्म राम रमे हुए आत्म रूप ब्रह्म नूं पछाण लिया है ओह सुते सिद्ध ही नामी वाहिगुरु च समा गए हैं अभेद हो गए हैं। बिन सतगुर मुक्त न पाई है मन मुख फिरै दीवान। हे भाई बिना सतगुरां तो मुक्त स्वरूप प्रभु नूं मुक्ति नूं कोई नहीं पा सकता। भाव मुक्ति सतगुरां तो ही मिलती है। बिना गुरु की प्राप्ति कीतिया मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुंदी। शब्द न चीनै कथनी बदनी करे बिखिया माहे समान। जो सतगुरां के शब्द नूं नहीं चीनै जाणदा कथनी भाव कथा भी करी जाते हैं तो बदनी कविशरी भी करी जाते हैं। वो मनमुख पुरुष माया विच ही समाए रहिंदे आ विषय विकारां च ही समाए रहिंदे आ। सब किसी आपे आप है दूजा अवर न कोय। गुरमुखा ने इस गल नूं समझ लिया है कि हे भाई ये नाम ते रूप प्रपंच जो भी आ ये सब कुछ अपने आप परमेशर ही आ उस तो बिना कोई होर दूजा है ही नहीं। ज्यो बोलाए त्यो बोली है जा आप बुलाए सोए। जिवें वो वाहिगुरु बुलाए बुलाउंदा है असी तां उसी तरह ही बोलदे हां। हे भाई असी तां बोलदे ही तां हाँ जे कोई जे सोए वो आप बुलाउंदा है। जेकर वो ना चाहे तां रसना दे हुंदियां भी जीव बोल नहीं सकदा। आपां वेखदे आं जिवें गूंगे इंसान उन्हां दे पास किहड़ा जीभ नहीं हुंदी। जीभ भी हुंदी दंद भी हुंदे सारा कुछ हुंदा पर उन्हां दे कोल बोल नहीं हुंदा बोल नहीं सकदे। गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। गुरमुखां दी बाणी च तां ब्रह्म ही वसिया हुंदा है। हर वक्त ब्रह्म दी बाणी ही बोलदे हन ते उन्हां दे शब्द उपदेश द्वारा ब्रह्म दा मिलाप हुंदा है। नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होए। सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि हे भाई उस वाहिगुरु दे नाम नूं तूं भी संभालना कर जिस वाहिगुरु दे सेवने करके तेनू आत्मक सुख प्राप्त हो जाएगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गोपाल हे दयाल लाल, हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पे उतार, आए प्रभ सरनागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करह कल्याण, नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करह कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।